हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको एक समर ब्राइडल मेकअप लुक दिखा रही हूँ जो कि बहुत रिक्वेस्टेड था। ये ऐसा लुक है कि आप मॉर्निंग ब्राइडल मेकअप लुक भी इसे कह सकते हैं या फिर सिख ब्राइडल मेकअप लुक भी कह सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत से पेस्टल कलर्स भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली पेस्टल कलर्स ही यूज़ किए हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद माई क्लीन फेस और मॉइस्चराइज्ड फेस ऑब्वियसली, और मैं सबसे पहले लगा रही हूँ प्राइमर। ये है स्टूडियो फिनिशिंग प्राइमर बाय पैक। सो इसका एक पंप लेके मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन में। ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है, तो अगर आपके चेहरे पे कोई भी शाइन है ऑयल की तो ये उसे मैटिफाई कर देगा, बिकॉज़ ये समर ब्राइडल मेकअप लुक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ इल्यूमिनेटर बाय यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स, और ये एक रोज़ गोल्ड इल्यूमिनेटर है और मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ ताकि मुझे एक विद इन दिस यू नो इनसाइड एक ग्लो मिले। तो इसे एक स्टिपलिंग ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कोई स्ट्रीकीनेस ना रहे तो इसको मैं थोड़ा और ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से, और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ गया है इस इल्यूमिनेटर की वजह से। नेक्स्ट स्टेप है कलर करेक्शन, और मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं इन्हें मैं करेक्ट करूँगी एक डार्क कंसीलर से। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन शेड 30 कैफ़े, और अपने अंडर आई एरियाज़ पे लगा रही हूँ और अपने लिप्स के आसपास भी लगा रही हूँ बिकॉज़ वो एरियाज़ भी मेरे डार्क रहते हैं, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अगेन आई एम ब्लेंडिंग इट रियली रियली वेल। अब चलते हैं आईज़ पे। आईज़ के लिए मैं ले रही हूँ पेंट पॉट इन सॉफ्ट ओकर बाय मैक, और इसको अपने रिंग फिंगर की मदद से अपने आईलेट पे लगा रही हूँ एक ब्लैंक बेस देने के लिए इस तरह से, और फिर इसे थोड़ा सा सेट करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप डैप करके अच्छे से इसे सेट कर दूँगी, और थोड़ा सा पाउडर भी लगाऊँगी। और अब मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़, तो मेरी जो आईब्रोज़ हैं थोड़ी सी स्पार्स हैं, तो इसे मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन आई शेडो की मदद से इस तरह से। फिर एक स्पूली की मदद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी और ताकि एक नेचुरल लुक आए आईब्रोज़ की और ये अपनी जगह पे रहें। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ओसो स्पेशल पैलेट, और इसमें मैं एक स्किन टोन का आई शेडो ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश में, और इसे अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज पे लगा रही हूँ और इसे फिर एक फ्लफियर ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ये कलर ज़्यादा विजिबल नहीं है मेरे आईलेट्स पे, बट ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन कलर है बनेगा। तो अब मैं ले रही हूँ एक पेल पिंक कलर सेम पैलेट से, अगेन अपनी क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत लाइट कलर देगा, कैमरे पे अभी नहीं दिखाई दे रहा उतना, बट अगेन धीरे धीरे मैं कलर्स ऐड करूँगी ताकि एक बहुत अच्छी ब्लेंडेड सॉफ्ट स्मोकी लुक आए। नेक्स्ट जो मैं आई शेडो ले रही हूँ ये है एक्सपेंसिव पिंक बाय मैक, और इसे अपने रिंग फिंगर में मैं लूँगी और इसे अपने आईलिड्स पे लगाऊँगी। रिंग फिंगर से मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि जो पिगमेंटेशन है आई शेडो की वो सबसे ज़्यादा आए। ब्रश से आई शेडोज़ कई बार उतने पिगमेंटेशन नहीं देते जितने अपने फिंगर से देते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मॉडर्न रेनेसेंस पैलेट, और ये जो दो स्किन टोन से थोड़े से डार्क कलर हैं ब्राउन कलर लाइक मीडियम ब्राउन कलर, इन्हें मैं मिक्स करके अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ और अगेन धीरे धीरे बिल्ड कर रही हूँ ताकि कोई ऑब्वियस लाइंस ना हो। जितने आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे आई शेडोज उतने ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी आई शेडो लुक आएगी, रादर देन आप एक कलर डार्क लेके और ब्लेंड करें। तो मैं धीरे धीरे अपना जो आई शेडो कलर है वो डार्क कर रही हूँ, नॉट इन जस्ट वन गो, धीरे धीरे। फिर मैं ले रही हूँ ये गोल्ड आई शेडो, इसका नाम है प्रिमवेरा, और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ और इसे एक्सपेंसिव पिंक आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ।
अब मैं एक डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ पेंसिल ब्रश में और उसे अपने आउटर वी में लगा रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और इसे मैं धीरे धीरे बाकी आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ और इसे क्रीज पे भी लेके जा रही हूँ। फिर मैं एक लाइट वाइट आई शेडो लेके अपने ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से, और इन्हें भी बाकी आई शेडो से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटर, ये है गोल्डन टैंजरीन बाय एले स्प्लैश, रेडिश गोल्ड कलर है, तो प्रॉपर रेड नहीं है बट एक हिंट देता है रेड पिंक का। तो मैं अब अर्बन डिके ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ अपने आईलिड्स पे और इसके ऊपर मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की मदद से इस तरह। अब बारी आती है आई लाइनर लगाने की, तो जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जेल लाइनर बाय टार्ट, और इससे मैं एक बहुत ही अच्छा विंग्ड लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता हाउ टू क्रिएट अ विंग लाइनर, आई हैव अ वीडियो फॉर दैट, आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और अपने इनर कॉर्नर्स भी पॉइंट कर दूँगी। मैंने अपने वाटर लाइन पर भी लगा लिया है, वो कैमरा ने कैच नहीं किया, और मैं ज़रा सा ब्राउन आई शैडो लेके उसे स्मज भी कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ फेक लैशेस M70 बाय पैक, और आप देख सकते हैं कितना लुक इस लैश ने चेंज कर दिया है मेरा। सो दीज आर गॉर्जियस लैशेस, आई लव इट। नाउ लेट्स कम टू द फेस। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 10160 फाउंडेशन बाय यूरोप गर्ल। हल्का सा लाइट कलर है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, बट आई विल ब्लेंड इट रियली वेल ताकि ये मेरी स्किन टोन और मेरे नेक से मैच हो जाए और थोड़ा सा ग्लो दे, बिकॉज इट्स लाइक अ ब्राइडल लुक। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग फॉर अ लिटिल लाइटर शेड, और मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर द बेस, सो कीप ऑन ब्लेंडिंग जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्पेशली आपकी हेयर लाइन बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए, हेयर लाइन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, दैट व्हाट आई विल से। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सी फाउंडेशन आप अपने ईयर्स पे भी लगाइए अगर आप कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक इवन टोन लगे, एक ऑड लुक ना लगे, और उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। सो दैट्स व्हाई आई ब्लेंडेड टू माय ईयर्स एज वेल, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई ऑब्वियस डिफरेंस ना लगे मेरी नेक में या मेरे ईयर्स में। नेक्स्ट आई एम गोना हाईलाइट, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट एज रिवाइन इरेजर डार्क सर्कल इन द शेड मीडियम, और इसे मैं अपने अंडर ऑफ आई एरिया लगा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं लगाऊंगी अपने ब्रिज ऑफ नोज में, फोरहेड पे, क्यूपिड्स बो और चिन पे, और अगेन बाय यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर आई विल बी ब्लेंडिंग दिस आउट रियली नाइसली। और फिर मैं ले रही हूँ बनाना पाउडर बाय ADS, और इसे मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी जहाँ भी मैंने हाईलाइट किया था, जैसे कि अंडर माय आई एरिया, माय फोरहेड, माय ब्रिज ऑफ नोज़, माय चिन, माय क्यूपिड्स बो, और इसे मैं थोड़ी देर इसी तरह रखूँगी। दैट मींस आई एम बेकिंग माय मेकअप। और फिर मैं अपनी आईज़ पे दोबारा जा रही हूँ, मैं ब्राउन आई शेडो से अपनी लोअर लैश लाइन स्मज कर रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छी स्मज्ड लुक आए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। आई एम यूजिंग लैशेज पुश अप मस्कारा बाई मैट लुक, और इसे मैं अपनी अपर लैशेज़ पे लगाऊंगी अच्छे से ताकि मेरी दोनों लैशेज मर्ज हो जाएं, ब्लेंड हो जाएं आपस में, और इसे मैं अपनी लोअर लैशेज पे भी लगाऊंगी ताकि अगेन अच्छी लोअर लैश लुक आए। अब मैं एक पाउडर ब्रश की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है मेरे चेहरे पे उसे डस्ट करूँगी इस तरह से, और साथ ही साथ ब्लेंड करूँगी अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, बट डस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन ब्यूटी ब्लेंडर, एक ऊपर से एक बार डैप करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सब कुछ।
नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का ब्लश आई विल ऑलवेज लव यू और इसे मैं अपने चीक बोन्स पर लगा रही हूँ इस तरह से और इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने हेयर लाइन तक जस्ट लाइक दिस. And now for contour, I am using Contour Day Face Palette by Sugar. और इसके contour shade से मैं contour कर रही हूँ और उसे blush से merge भी कर रही हूँ और blend भी कर रही हूँ ताकि कोई again obvious line ना रहे. और मैं same contour product लेके एक eye shadow brush में मैं अपने jaws भी blend कर रही हूँ and then एक eye shadow brush में लेके मैं अपनी nose को भी shape दूँगी इस तरह से. I'm just using an eyeshadow brush और उसके बाद मैं अपना fluffier contour brush लेके इससे भी अच्छे से blend कर लूँगी. अब मैं सेम ही पैलेट का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स पे लगा रही हूँ जस्ट राइट अबव द ब्लश और अपनी रिंग फिंगर से अपना नोज़ हाईलाइट कर रही हूँ क्यूपिड्स बो और साथ ही साथ मैं अपने चिन भी हाईलाइट कर रही हूँ टू गेट दैट रियली नाइस ग्लो ऑन द डी डे. So for lips, I am using lip liner in the shade Button by Color Pop और ये बहुत ही muted brownish pink lip liner है. I am going for pastel nude lips because ये पूरी look morning bridal look या फिर summer bridal look आप कह सकते हैं. It's more onto nude side. That's why I'm choosing all these colors. और lipstick के लिए मैं use कर रही हूँ suede matte lipstick by Sugar in 01 Muslin Mauve. It's a very pretty lipstick. It will last you long for the whole day and it will not dry your lips out and look is complete. Only one thing is left, that is setting your makeup, locking your makeup, and I'm using pack makeup spray for it and the look is done. Or now this is the whole look after wearing my jewelry and this is how I look. उम्मीद करती हूँ आपको ये समर ब्राइडल लुक या फिर मॉर्निंग ब्राइडल लुक पसंद आया होगा. अगर आप इस तरह के और लुक्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प ज़रूर कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्थी.